जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक 10 साल मुहिदे के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। ये मुहिदा गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान के सिलसिले में है। 10 साल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की जर्मनी का इदारा GIZ पाए तकमील तक पहुँचाए। 10 साल प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट हैं, जिसका एक कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। LGRDD के जैली इदारे TMA भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के 5 आउटपुट में से एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इस सिलसिले में यहाँ बरीकोट में एक वर्कशॉप मुनक़द होने वाली है। इस वर्कशॉप की मुकम्मल कार्रवाई का जायजा लेते हैं। वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ TMOs पोस्टेड इन न्यू TMAs ऑफ मलक्कंड डिवीजन। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन ऑफ GIZ गवर्नेंस प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंपोनेंट प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड 2012। नंबर 3, अपडेट ऑन अदर एक्सटर्नल पार्टनर्स GIZ MRP GTCE यूनिसेफ PMU पार्सा एंड द लास्ट इज प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ TMA बरीकोट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم प्रोग्राम के मुख्य तौर पर मुंगा इंट्रोडक्शन का सामने रखना है। सरवी जी जमानों पर मेरे भी नहीं या मुझसे दफ्तर आ जी जी देखो सर के या का मुखा मुख्य ने का प्रेजेंटेशन हो गया वाले जमा पर मेरे भी नहीं कि हम पर रिकॉर्ड में फोकल पर्सन और न्यू इंस्टीट्यूट थैंक यू मैच इन मलाका डिवीजन हाँ मोहम्मद खालिद मिनून दे जी बेसिकली लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्वाति अमा देर वक्त मुख्तलिफ पोजिशन बांधे असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर चीफ अफसर TMO पातिशेन GIZ प्रोग्राम दे कम चे दामन दिखता पोस्ट को खैर पंद्रह रबी से पूरे दागले और सवाल तक पूरे मुन्ना दासी दाव को उन्हें दागे गवर्नेंस प्रोग्राम दे पावे की लोकल गवर्नेंस एडवाइजर का कुम مزیرین کی ایم او کے میں قبل قبل بھی یہ وہ سواتم پاتی ما اس سلسن کی رہنی کریڈٹ ایم اے جس تنشی دی پالے گی چینے ٹیم ہو سرکار کو محمد طاہر ٹیم ہو دادے ہو گئے جی سید عدنان شاہ ایڈوائزر DTCE عدنان شاہ سے پختو کے خوصہ پرابلم نہیں پشتو میں پرابلم نہیں دوبرا پرابلم نہیں خیجی پاہ DTC Devolution Trust for Community Empowerment, UNDP funded, and even still it is UNDP. Oh, the non-samaj kam project in India under UNDP. Daniel Aziz se bhi chairperson de. Mama ji, Muhammad Razan ke of the Malaga Rehabilitation Project, which is at emergency of the Labo, the Jang Narushka Kami Project, the Malakand Division, the Salur Zilu, the Mara, the Shri Yukkal, the Viki, the Makar, the Strategic Relations Coordinator, the counterparts, the PDMN, Barsha Commission, Malakand, the DCOs, all of them, the District Officer, the Relationship Management, that was my responsibility. Muhammad Javed, Accountant, TV, Shriga. अकरम खान TUF TMA चारवा असर खान TMO TMA मंदन मंदन गुनिया गुनिया और सदरेवर ने उन्होंने सीनियर प्लानिंग का भी सब डीडी में पास है और तब तक सुमा का डैमेजेस रिकंस्ट्रक्शन थे दा द गवर्नमेंट पर साइड एज वेल एज प्राइवेट साइड पर दा सब रिस्पांसिबिलिटी और सिंस लास्ट 2 इयर्स दा मुंगल तक पास आ सेटअप दे और वो डिस्क की उन अंगोई थी 100 नहीं बाउंस स्कूल्स की ब्रिजेस रोड
अफसर प्राइवेट यूज टीन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जी एस एड यू एस ए दम पार्टनर वर्क रिलेशनशिप शोकत हुसैन अजीब रहमान टीएमओ टीएमए अदनजय चक्कर मलकन डिवीजन के थे नेवी टीएमए मिशन यो प्राइज हम दी जमाने रख पब्लिक दे तरफ ना हम दे गवर्नमेंट दे तरफ ना हम चे मुंग पर इखपल नेवी टीएमए के सनसा दस किरदार अदा को चे पारिस टेक माने आर सर्विसेज पर हम की बहुत है कसा जमा पर ख्याल ज्यान स्टाफ खास सीनियर स्टाफ थे او پدې خبر کوېږي چې زمونږ د ټی ایم ایس فنکشن سي او زمونږ پرایس سي دی د خدمت کول او کار لپاره هم ان شاء الله مخکې به بیا په ډیټیل سره درکو او موږ هم سره په ریکوست کوم چې نزی دا پروګرام مخ وړاندې وځي او زه غواړم چې په نور جې بسم الله الرحمن الرحیم मैंने तो पहले तारुफ किया था मेरे ख्याल में और तुम ऐसे कहेंगे कि हमारे दो साथी जो है अदनान शाह साहब और आतिक रहमान डी एम वादिन सही प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम उर्दू में करेंगे मैं स्पेशली हमारे जो लीग है डी एम ओज के उनके और फिर खसूसी तौर पर जो आउटसाइडर एक्सटर्नल हमारे पार्टनर्स हैं जे एस एड एम आर पी के रजा साहब अदनान शाह साहब डी टी सी ए के इसी तरह सैयद रहमान साहब सीनियर प्लानिंग ऑफिसर वालेकुम सलाम पी एम यू बारसा के और मेरे जो खासकर नए टी एम ओज हैं जिसमें रुजरीम साहब जो सीनियर टी एम ओ है कबल में तायर खान जो तो तलई में है इसी तरह हमारा जो अकाउंट ऑफिसर साहब है वह शडिंगल से है बहुत दूर अपर दीर का एक निया टी एम ए है उनसे इसी तरह अकाउंट ऑफिसर चारबाग के लिए डी एम ए के और शौकत हुसैन साहब जो फजाखिल में है अतीक रहमान साहब अदिनजई में है उनके साथ जो सब इंजीनियर हैं उन तमाम का मशकूर हूँ मैं चूंकि यहाँ पर बेसिकली होस्ट जो है वो डी एम ए बरी कोट है इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी फोकल पॉइंट करार दिया है लेकिन मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ कि हमारी एक काविश थी कि ये नई टी एम एस जो है इनको हम इकट्ठा कर लें और इसमें जो इस लोकल गवर्नेंस को या सर्विस डिलीवरी को सहल बनाने के लिए जो और इदारे जो पी एम यू पारसा है जो जे जेड एम आर पी है जो डी टी सी है जो एन एस एफ है उनको भी हम मधु करें ताकि वो उनको पता चले कि ये टी एम एस क्यों बने हैं वो किस स्टेज पे है वो क्या करते हैं और उनकी मुश्किल क्या है और उनका आगे वे फॉरवर्ड या विजन क्या है तो इसी सिलसिले में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ जो चीज़ है वो मेरे ख्याल में मैं जो लोकल खासकर दो तीन चार टी एम ओ जो है उनको पता होगा कि ये टी एम एस क्यों बनी है लेकिन हमें मजीद जो और हमारे जो रखा है उनको मेरे ख्याल में इतने में डिटेल में पता नहीं है लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये क्या चीज़ है और क्या हो रहा है मैंने आपके साथ जैसे जिक्र किया एक तो रजा साहब जी एस जी एम आर पी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो मलकन रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं इसी तरह मैं जो हूँ वो प्रमोशन ऑफ गवर्नेंस प्रोग्राम है 10 ईयर प्रोग्राम है मैं उनके साथ मेरा अटैचमेंट है और उनके साथ एज एडवाइजर लोकल गवर्नेंस काम करता हूँ सर आप मेरे ख्याल में यहाँ पर इश्तियाक साहब यहाँ पर आए जी इश्तियाक साहब हमारे टी एम ओ है बेसिकली कुहाट के हैं और ये बहरीन में टी एम ओ है तो ये काफ़ी दूर से आ रहे थे तो लिहाजा ज़रा लेट पहुँच गए थे नहीं नहीं सर जी हाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ ये इलाका जो है जो खासकर इसके आउटसाइडर जो लोग हैं इनके नॉलेज के लिए कि हमारा आईन 1973 का मलकन के हवाले से वो क्या कहते हैं और आईन में मलकन डिवीजन या पाटा के लिए क्या प्रोविजन मौजूद है आईन के दो आर्टिकल है 247 एंड 247 दीज आर डेडिकेटेड फॉर पाटा एंड फाटा एफ वाला पाटा एंड पी वाला पाटा एक प्रोविंशियल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरिया है और दूसरा फेडरल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरिया है
आईन का 244 आर्टिकल है वो फाटा और फाटा को डिफाइन करते हैं कि फाटा में कौन से इलाके फाल होते हैं और फाटा में कौन से इलाके फाल होते हैं। इसी तरह आईन का 247 आर्टिकल जो है वो इस इलाके के मुतालिक जनरल यानी यहाँ पर अगर गवर्नेंस या हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन होगी तो क्या करेगी, यानी मिसाल के तौर पर मुल्क के पार्लियामेंट ने कानून पास किया तो ठीक ठाक सीधे से यहाँ पर मलाकंड डिवीजन में वो लागू नहीं होता। इसके लिए फिर अलायदा एक प्रोविजन मौजूद होते हैं कि प्रेसिडेंट मुल्क का और गवर्नर जो है वो एक स्पेशल नोटिफिकेशन फिर जारी करते हो रिकॉर्डिंग दी वो लाल जो है वो फाटा या पाटा में वो रिकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। नाउ आई विल कम टू द आर्टिकल 246 द होल ऑफ मलाकंड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल 246 एंड 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973 हैव गिवन स्पेशल स्टेटस एंड सम कंसेशंस टू इट्स प्रोविंशियल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान वहां पर भी स्पेशल एरियाज हैं एंड फेडरली एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज बॉर्डरिंग टू अफगानिस्तान। जो फाटा और पाटा है यानी सात कबाइली एजेंसियां हैं और यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में कुस्तान को साथ मिला के ये तकरीबन कोई 8 अजला बनते हैं। ये जो है ये प्रोविंशियल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज के इलाके हैं। उसमें जो मैंने आपको बता दिया कि दो आईन का आर्टिकल 244 जो कहता है वो ये कहता है ट्राइबल एरियाज मीन्स द एरियाज इन पाकिस्तान व्हिच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे वर ट्राइबल एरियाज एंड इंक्लूड्स द ट्राइबल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान एंड द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस द फॉर्मर स्टेट्स ऑफ अम। ये मेरे ख्याल में अम जो है वो अजहर साइड पे है कोई रियासत हुआ करता था और इंक्लूड अम चतराल दियर लोअर एंड अपर स्वात बुनेर एंड शंगा। प्रोविंशियल एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज मीन्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चतराल दीर एंड स्वात लोअर दीर एंड अपर एंड स्वात बुनेर एंड शंगला विच इंक्लूड्स कालाम। ये हमारे स्वात में कालाम कुछ ऐसा एरिया था कि इसको काफी वक्त तक एक ट्राइबल स्टेटस हासिल था लिहाजा में इसकी इसलिए वजाहत की गई कि स्वात में जो कालाम का एरिया है वो भी पाटा एरिया का है। तो द ट्राइबल एरियाज इन कोस्तान डिस्ट्रिक्ट मलाकंड प्रोटेक्टेड एरिया यानी मलाकंड एजेंसी या मलाकंड इसको एजेंसी आप नहीं कह सकते इसको मलाकंड डिस्ट्रिक्ट ही कह सकते हैं एंड द ट्राइबल एरिया जॉइनिंग मानसेरा डिस्ट्रिक्ट एंड द फार्मर स्टेट ऑफ अम। अभी जो काला डाका जो बना है दिस वॉज ऑल्सो पाटा एरिया जो तोरगर के नाम से अभी एक इंडिपेंडेंट जिला है। अभी हम आते हैं कि मिलिटेंसी इस इलाके में आप तमाम लोगों के पता है इस इलाके के लोग है आपको पता है कि 2007 में स्वात में मिलिटेंसी या तालिबानाइजेशन या कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन जो था वो स्टार्ट हो गया। मैं खुद भी इस वक्त मैं मटन में एज ए तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर था तो बहुत सी चीज़ें मैंने अपने अनुभव से देखी हैं। मैं जून 2008 तक वहाँ पर भी इसे तो टी एम हो रहा हूँ। ठीक ठाक यहाँ से लाखों लोगों ने हिजरत भी की हमारे डाउन डिस्ट्रिक्ट के खासकर जो सवाबी मर्दान चारसद्दा पिशावर इन अजला ने जो हमारे वो आई डी पीज के जो के साथ जो रवैया रखा मेरे ख्याल में वो सदियों तक वो याद रखा जाएगा कि उन्होंने इन अपने भाइयों को और अपने बहनों को किस तरह अपने घरों में कपाया और क्या हो गया। तो इसके बाद 2007 में ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया लेकिन इसको पीक जो था वो 2009 में पहुंच गया। लिहाजा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यहाँ पर एक्सटेंड किया कि ये हालात क्यों पैदा हुए। ये मलाकंड डिवीजन में जो पहले स्वात में शुरू हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता दीर तक मलाकंड तक बुनेर तक शांगा तक पहुंच गए ये हालात क्यों पैदा हुए इसकी क्या वजूहत है और इसकी जो बुरे असरात है इसको किसी तरह जाहिर किया जा सकते हैं या इन लोगों का मदावा किस तरह किया जा सकता है या जो वजूहत है अगर वो गवर्नेंस के हवाले से तो उनको किस तरह हल किया जा सकता है अगर वो सर्विस डिलीवरी के हवाले से तो उनको किस तरह हल किया जा सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक स्टडी की जिसको मलाकंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबलाइजेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कहा जाता है।
यानी मलकन डिवीजन के माशी और इक्तिसादी दोबारा आबादकारी का नाम से एक मंसूबा, एक रिकमेंडेशन उन्होंने की और ये 5 साल का मंसूबा है जो 2009 से लेकर शायद 2014 तक ये इन औकात पे मुश्तमिल ये कंसिस्ट करेगा। इस स्ट्रेटजी का जो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला गोल है वो ये है, मलकन डिवीजन अचीव्स एन इंक्रीजिंगली सिक्योर एनवायरनमेंट इन विच द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स विद एन इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसलिए मैंने यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम पीएमएस की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, इसलिए मैंने बोर्ड किया है। वेयर पब्लिक सर्विसेज आर रिस्टोर्ड and the potential of the region for constructive economic growth is tapped, creating opportunities for the people, especially the youth, girls and boys alike, to be assets for the region, resulting in a secure, prosperous and tolerant place free from the dangers of militancy. ये एक overarching goal था कि goal यही है कि यहाँ पर लोगों को दोबारा आबाद कर उनको आबाद किया जाए, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, यहाँ पर लोगों को जो खिदमात मुहैया पहुँचाए जाते हैं, बिजली है, पानी है, रोड है, फायर ब्रिगेड है, वो भी अच्छे तरीके से उनको मिले और 4-5 साल बाद उनकी जो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसमें छोटे बच्चियाँ हैं, छोटे लड़के हैं, खवातीन हैं, वो भी यहाँ पर सिक्योर महसूस करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मोर देन 400 स्कूल्स वर ब्लास्ट इन दिस मिलिटेंसी वेव। सो लिहाजा जो नुकसान हुआ था उनके कमिटमेंट है और ये एक किस्म का विजन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का और डोनर्स कम्युनिटी का। तो आइंदा 5 साल में इसको इस मलकन स्ट्रेटजी से ये मुश्तरका तौर पर हासिल करना है। इस स्ट्रेटजी की 4 पिलर्स है जो मैंने बता दिया। तो इसका फर्स्ट पिलर जो है दैट इज सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जिसका सब ऑब्जेक्टिव 3.1 है, टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्लोजर टू द पीपल। अभी हम यहाँ पर आते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे स्वाबी के बाशिंदे बैठे होंगे, रजा साहब चारसदा से, तो वो सोचेंगे कि यार ये तो स्वात में 5 सब डिवीजन कैसे बन गए, ये दीर में कैसे, लोअर में 2 बन गए, अपर में 1 बन गया, बुनेर में 2 नए सब डिवीजन बन गई, क्या हो जाती, क्या हालत थी। तो उस रिकमेंडेशन मलकन स्ट्रेटेजी का जो है, मैंने जो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया उसमें यही है कि इसके 4 जो सतून है, तो उसमें पहला सतून जो ये है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के हवाले से वो बात करता है, और जिसका 3.1 जो सब ऑब्जेक्टिव जो है, यानी ज़ेरी मकसद जो है वो ये कहता है, टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्लोजर टू द पीपल, के लोगों के करीब जो उनके इदारे हैं, जो हुकूमत के इदारे हैं, ख्वा सब डिवीजन हो, ख्वा तहसील हो, ख्वा टीएम हो, वो लोगों की खिदमत के लिए उनको घरों तक पहुंचाए। आज हम रिकॉर्ड में बैठे हैं, यहाँ पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बैठा है, यहाँ पर डीएसपी बैठा है, यहाँ पर टीएमओ बैठा है, तो इसका मकसद यही है कि लोगों का उनके साथ वास्ता पड़ता है, लिहाजा उनको निंगवारा और गुलकदा जाने के बजाय उनको ये सहूलियात कबल में मौजूद हो, उनको ये सहूलियात बलकोट में हो, ये उनको बहरीन में हो, ये ख्वाजा खेरा में हो, ये शरिंदल में हो, ये लाल कला में हो, ये अदिमजई में हो और ये तो तले में हो। तो लिहाजा ये एक किस्म का विजन है कि लोगों के जो रोजमर्रा जरूरियात की चीजें आते हैं उन इदारों को ये लोग उनके पीछे ना आए लेकिन ये इदारे उनके पास ले जाए, लिहाजा दिस वॉज द पर्सन। तो उनका जो ये है इसका उसका भी एक किस्म का गोल है और इनके भी कोई डिमांड है, वो क्या कहते हैं, एज मिलिटेंट्स गेन्ड ग्राउंड इन मलकन ओवर द कोर्स ऑफ द पास्ट डिकेड्स, they exploited the lack of effective delivery of key services by reinforcing the perception that in some places the old system was better. आपको पता है कि खासकर स्वात, शंगला, बुनेर, अपर बीर, लोअर बीर, ये 5 अजला जो है ये 1969 तक ये प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पर बादशाही सिस्टम था और ठीक ठाक सिस्टम था, तो यहाँ पर भी लोगों ने जब ये स्टडी हो रहा था तो उन्होंने लोगों ने इसको अखज किया है या लोगों ने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में मतगम होने से पहले हम समझते हैं कि जो स्टेट का दौर था वो अच्छा था, वहां पर सर्विस डिलीवरी भी अच्छी थी, वहां पर इंसाफ भी अच्छा था, वहां पर गवर्नेंस भी अच्छा था, लिहाजा वो स्टडी का एक जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि लोगों ने यहाँ पर मिलिटेंसी, लोगों ने बंदूक उठा लिया,
लोग लोगों को स्लॉटर कर रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, तो उनका एक वजह ये भी था कि 1969 तक इन लोगों ने एक रियासती दौर देखा था इन पांच अजला में, माँ सेवाएं चित्राल के और मलाकंड के, यहाँ पर ब्रिटिश रूल चला है। लेकिन ये और जो अजला है, जो शंगला है, बनेर है, स्वात है, दीरापर है, दीलोर है, इनमें बाकायदा तौर पर एक खुद मुख्तार किस्म की रियासतें थे और इसको वेलफेयर स्टेट हम कह सकते हैं। मैंने बजा मेरा तकरीबन 50 साल उम्र है, मैंने खुद नहीं देखा, शायद रुजरे मेरा सीनियर है उसने खुद देखा होगा कि ठीक ठाक सिस्टम था, यानी आपको क्विक रिस्पांस जो मिलता था। आजकल हमारे अदालतों में सिविल सूट्स जो है वो 30-40 साल तक चलते हैं, वो हार्डली मेरे ख्याल में 2-3 दिन में तहसीलदार और कला का सूबेदार वगैरह होता था, तो वो दिनों में यानी इवन बाज़ कैसे में घंटों की मिसालें भी मौजूद है कि वहाँ पर हल होते थे। एक ठीक ठाक एक सिक्योर सिस्टम था, किसी के पास बंदूक का ये तस्वीर भी लोग नहीं कर सकते, कत्ल का तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसका जो एक चीज़ है कि वो ये कि लोगों ने कहा कि ये मिलिटेंसी यहाँ पर शुरू हुई थी, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक अच्छा दौर 1969 तक देखा था। दे आल्सो फील्ड वर्ड्स इन सर्विस डिलीवरी एंड द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस विच सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ सम। उन्होंने दूसरा क्या चीज था, यानी उस वक्त में न तो पानी का मसला था, न यानी आपको जो जरूरियात जिंदगी थी वो आपको तमाम लोगों को वो बिल्कुल वो सिक्योरिटी थी, हर जो जो चीज थी वो बगैर रिश्वत के बगैर सिफारिश के वहां पर मिलती थी। तो दूसरा जो ये है कि लोगों का ख्याल यही है कि रियासत के बाद उसमें भी एक किस्म का खला पैदा हुआ है, और दूसरा ये कि जो इंसाफ खासकर स्वाद के हवाले से जो लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इंसाफ बहुत स्पीडी जस्टिस मिलता था। मैंने एक बात सुनी है कि एक सवाबी का मेरा एक वाकिफ है, अभी भी जिंदा है, वो मुझे कह रहा था कि मैं 302 के केस में यहाँ पर आया था, मफरूर हुआ था, तो मेरे पास पस्तूल होती थी, तो सैयद शरीफ बाजार जो था वो कैपिटल था, वहाँ पर मेरे पास पस्तूल होती थी, तो सुबह मैं वो बाजार में प्लेट स्टोन से वहाँ पर पेमेंट अपस्टिट हुई, तो वो कह रहे थे मैं इस पर वॉक कर रहा था, मैंने अपना पस्तूल छुपाया था मेरे पास थी, तो वहाँ पर एक बंदे को कत्ल किया गया। वो कहते हैं कि शाम के वक्त जो सेंट्रल जेल है आजकल हमारा यहाँ पर, सभी इसके पीछे उस बंदे को बाकायदा तौर पर उन्होंने तो सजा सुनाई और उसको शूट किया गया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो अपनी पस्तूल जो है वो नाले में फेंक दी कि यहाँ पर मैं हूँ तो मुझे पस्तूल रखने की जरूरत नहीं है। तो स्पिरिट जस्टिस जो था इन स्टेट्स में भी था। द सब ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्लोजर टू द पीपल इंक्लूड्स द डिवोल्यूशन ऑफ पावर। यानी अब ये सब डिविजन जो बने हैं या तहसील बने हैं या हम इसको TMA लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कहते हैं, उनका एक मकसद ये भी है कि लोगों को एक इख्तियार भी दिया जाए डिवोल्यूशन में, यानी ऐसा ना हो कि वहाँ पर DCO बैठा है लेकिन उसका वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है लेकिन उसका एक नुमाइंदा यहाँ पर बड़ी कोर्ट में बैठा है जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। और मैं आपकी इतला के लिए कवर भी आरज कर दूँ कि मलकन डिवीजन में जैसे आईन में इसके मखसूस उनको जगह दी गई, इसी तरह यहाँ पर जो गवर्नेंस सिस्टम है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द होल ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम द होल ऑफ द प्रोविंस। मर्दान में चरसदर में जो कवानीन है वो यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप सब डिवीजन SDM का नाम सुनते हैं, इट इज़ अ न्यू थिंग। ये SDM आपके यहाँ होते थे लेकिन डिवोल्यूशन से पहले 2001 से पहले होते थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पर तालिबान और मिलिटेंसी के वक्त में उनके साथ तालिबान